फेसबुक ने खुलासा किया है कि भारत में मीटू कैंपेन के जोर पकड़ने के बाद लड़कियों के प्रोफाइल पिक पर नाइस पिक लिखने और हार्ट बनाने वाले लड़कों की संख्या में 80% तक कमी आई है। मगर इसी रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। पता चला है कि इस दौरान फेसबुक पर दीदी शब्द लिखने वाले लड़कों की संख्या में 90% इजाफा हो गया है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने खुद इस बात की जानकारी दी। देखो ई देख के तो हमें दंगे रह गए कि जनवरी से अगस्त महीना तक भारत के लोग फेसबुक पर बस 3 बार दीदी शब्द का प्रयोग कर लगे, वो भी ममता बनर्जी वास्ते। लेकिन मीटू कैंपेन के बाद लड़कियन सब का स्टेटस पर आवे वाला हर तीसरा कमेंट में लोग दीदी लिखा करे छे। दशहरे से ठीक पहले रावण ने कल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी जान माफी की याचिका लगाई है। रावण के वकीलों का कहना है कि मौजूदा मीटू के माहौल में जहां लोग 10-10 औरतों के इल्जाम लगाने के बाद भी अपनी गलती नहीं मान रहे, वहीं रावण को सिर्फ माता सीता के अपहरण के लिए इतनी बड़ी सजा देना ज्यादती होगा, जबकि रावण ने तो माँ सीता को छुआ तक नहीं था। बहरहाल इस बारे में अधिक बातचीत के लिए खुद रावण हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं। जी रावण जी। जी देखिए, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी और नैतिकता के आधार पर अपनी गलती स्वीकार करके मैं इतने सालों से चुपचाप अपना पुतला भी फुकवा रहा था। मगर आज जब मैं ये देख रहा हूँ कि मुझसे भी ज्यादा बड़े अपराध करने वाले लोग गलती मानने के बजाय कोर्ट जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं? जिन लोगों को अपना समाज राम कहता है, जब वो अपनी गलती नहीं मान रहे, मैं तो फिर भी रावण हूँ। तो आप चाहते क्या हैं आप? बस यही कि जब तक मुझ पर लगे आरोप सही साबित न हो जाएं, तब तक देश भर में कहीं भी रावण का पुतला फूंकने पर रोक लगाई जाए। दोषी साबित हो गया तो अच्छा रावण बनके खुद को आग लगवा लूंगा, और बेकसूर निकला तो किसी भी पार्टी के टिकट पर अगले साल लोकसभा चुनाव लड़ लूंगा, जहां पहले ही मेरे बहुत से भाई बंधु हैं। केंद्र सरकार ने आम आदमी की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंडे का नाम बदलकर मन नहीं है डे कर दिया है। सरकार का कहना है कि बहुत से लोगों की शिकायत थी कि संडे के बाद जब ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, उसी दिन का नाम मंडे क्यों रखा गया। इतना ही नहीं, ये देखते हुए कि नौकरी वालों के पास 2-4 तारीख के बाद कोई पैसा नहीं बचता, इसलिए 5 तारीख के बाद पड़ने वाले हर दिन का नाम धन नहीं है डे कर दिया गया है। वहीं जिन लोगों की सैलरी 25,000 रुपए से कम है, वो मांग कर रहे हैं कि इतने कम पैसों को सैलरी न कहा जाए। उनका कहना है कि 25,000 से कम पैसों को सैलरी कहना सैलरी शब्द का अपमान है। इनकी मांग है कि 25,000 से कम पैसों का नाम सैलरी से बदलकर गुलामी भत्ता या ऐसी तैसी भत्ता कर देना चाहिए। आपको बता दें कि सैलरी के नाम पर कुछ लोगों को इतने कम पैसे मिलते हैं कि जब पैसे अकाउंट में जमा होते हैं तो समझ नहीं आता कि सैलरी आई है या सरकार ने गैस सब्सिडी के पैसे जमा कराए हैं। देखिए, लाख सवा लाख रुपए लेने वाला आदमी सैलरी शब्द बोलता है तो अच्छा लगता है, मगर 25,000 के लिए सैलरी बोलना वैसा ही है जैसा कुछ लोग अपने स्कूटर को गाड़ी बोलते हैं। अगर स्कूटर गाड़ी है तो जो सच में गाड़ी चला रहा है उसे हम क्या लड़ाकू विमान कहेंगे? सबसे पहले तो नू जानना है मुझे, टाइम कब मिल गया तुझे? अब साफ समझ आ रही,